नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ऊषा की किरण में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मैंने काफ़ी सारे एसी, कूलर और पंखों के वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज हम एक और बेहतरीन कूलर के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गोदरेज कंपनी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नए कूलर के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने गोदरेज का एक बेहतरीन कूलर है जो कि एज कूल ब्लास्ट के नाम से इसको निकाला है कंपनी ने। ये हमारे सामने है 60 लीटर कैपेसिटी यानी कि पानी के टैंक के साथ में आने वाला कूलर। यही कूलर को अगर आप लेना चाहते हैं बड़ी टैंक कैपेसिटी यानी कि आपको 80 लीटर के साथ में भी ये कूलर अवेलेबल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पास चलते हैं, पास चल के जान लेते हैं इसके अंदर आने वाले कुछ फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा कूलर जो है फाइबर बॉडी के साथ में बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर की साइड में हर कूलर की तरह आपको यहाँ पर कंट्रोल स्विचेस देखने के लिए मिलते हैं। एज कूल ब्लास्ट की नेमिंग मिलेगी, पावर को ऑन ऑफ करना है, यहाँ से आपको कूल, कूल प्लस स्विंग और स्विंग खाली चलाना है तो उसका कंट्रोल स्विच मिलता है। ये फंक्शन की हो गई, ये पावर की हो गई और ये हो गई हमारी स्पीड की। इसके अंदर आपको तीन स्पीड मिलती हैं, हाई, मीडियम एंड लो, तीन स्पीड के साथ में इसको चला सकते हैं। और ऊपर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको गोदरेज की नेमिंग मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पर इसके अंदर जो है आइस टैंक मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर आप आइस वगैरह डालते हैं कूलिंग ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी सुविधा। साथ ही आप यहाँ से पानी भी डाल सकते हैं, आइस भी डाल सकते हैं और यहीं पर आपको जो है ह्यूमिडिटी और ड्रेन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऊपर की साइड में आपको सारे के सारे जो कंट्रोल स्विचेज हैं वो ही मिलते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको यहाँ करेंगे तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा, अगर आप इसको नीचे की साइड में इस साइड में कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर ऑटो ड्रेन फंक्शन भी मिल जाएगा। तो इस स्विच के द्वारा आपको दो दो फंक्शन यहाँ पर ऑपरेट करने होते हैं। तो ये है इसका ऊपर का चैम्बर और यहाँ पर इसके अंदर आपको आइस ट्रिप टेक्नोलॉजी मिलती है पावरफुल कूलिंग के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ग्रेटर कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पर ये सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर हम फ्रंट के फीचर्स की बात करें तो एक अच्छा फीचर्स मिलता है आपको यहाँ पर कि इसकी जो फ्लैप है इसको आप पूरा का पूरा क्लोज कर सकते हैं, जिससे होता क्या है दोस्तों, ये फ़ायदा हो जाता है हमारा यहाँ पर कि जब आप अपने कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा जो फ़ैन वगैरह है या अंदर जो है धूल मिट्टी यहाँ से नहीं जा पाती है और हमारा कूलर जो है सेफली रखा रहता है अगले साल के यूज के लिए। आगे की साइड में आप देख सकते हैं आपको ऑटोफिल सिस्टम मिलता है इसके अंदर, यानी कि पीछे की साइड में आपको टैंक के द्वारा अगर इसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं पानी की लाइन के द्वारा तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पानी जो है टैंक के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। साथ ही आपको थर्मल ओवरलोड प्रोडक्शन मिलती है, यानी कि अगर आपके लाइट वगैरह में फ्लक्चुएशन वगैरह होता है तो उसको भी ये जो है बेयर कर लेता है। आगे की साइड में यहाँ पर आपको वाटर गेज मिल जाता है लेवलिंग के लिए, साथ ही इसके अंदर आपको जो व्हील मिलते हैं उसके अंदर आपको लॉक करने की भी सुविधा मिलती है, जिससे होता क्या है दोस्तों कि हमारा कूलर रात के समय चलते हुए समय कई बार ऐसा देखने में आया कि पीछे वो खिसक जाता है। तो ये जो दिक्कत है आपको इस कूलर के साथ में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आजकल जो हनीकॉम्ब चल रहे हैं पैड, उसी तरह के पैड मिलते हैं जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और ये आपको जो है काफ़ी खूबसूरत मतलब येलो कलर के मिलते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी मजबूत मटेरियल बॉडी के साथ में बनाया गया है गोदरेज ने अपने कूलर्स को। यहाँ पर पीछे की साइड में एक अच्छी चीज़ इस कूलर के अंदर मुझे देखने के लिए मिली दोस्तों कि जब आप यहाँ से पानी को फिल करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एक जाली भी दी गई है, यानी कि अगर आपके पाइपलाइन में कोई कचरा वगैरह है, कई बार काई वगैरह जो जम जाती है वो इस जाली के माध्यम से यहाँ पर रुक जाती है। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ में कंपनी ने अपने कूलर्स को लॉन्च किया है। साथ ही आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर जब आप ड्रेन करेंगे ऊपर से तो यहाँ से आपका पानी जो है वो निकल जाएगा। साथ ही अगर आप इसको मैनुअल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अलग से ड्रेन प्लग नीचे की साइड में दे दिया गया है। बात करें अगर इधर की तो यहाँ पर आप अपने पानी की जो पाइपलाइन है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हम कंजप्शंस की। तो मॉडल है इसका CLAZE CBD 80 RB FN के नाम से ये मॉडल आता है, जिसके अंदर आपको इनपुट पावर लगेगा 155 वाट का और 230 वोल्ट पे ये जो है काम करता है। 60 लीटर की आपको यहाँ पर पानी की टैंक कैपेसिटी मिलती है, आप इसको 80 लीटर के साथ में भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको एयर फ्लो मिलता है 3900 क्यूबिक मीटर हर्ट्ज का। वेट है इस कूलर का 18-18.5 किलोग्राम के आसपास का। तो दोस्तों, ये थे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको गोदरेज के इस बेहतरीन कूलर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अब बात करते हैं हम इसकी कीमत के बारे में। 12,000 रुपये के आसपास की कीमत में इसको आप अपने घर इन गर्मियों में लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है एक साथ खर्च करने का तो इसको आप बजाज के द्वारा EGEMI के ऊपर भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर आप अवश्य करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं तमाम सारे और कूलर्स के बारे में जानकारी लेना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी बताइएगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।